नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको कि पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला गरमा गया है, इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल पीएम 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में चूक के चलते उन्हें रैली किए बगैर वापस लौटना पड़ा। कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को रोक दिया और उन्हें आगे नहीं जाने दिया था। एक डिबेट के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने कहा कि जो किसान सर्दी गर्मी और बरसात सहते हुए 384 दिन धरने पर बैठे रहे, 700 अपने लोगों को खोया, वो पीएम का जोर शोर से स्वागत करते। इस पर बीजेपी नेता अपराजिता सारंगी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस पूरी घटना पर माफ़ी मांगनी चाहिए। इस पर सुप्रिया सुनेत ने कहा कि आप जैसा व्यक्ति जो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा रहा हो और वह यह कह रहे हैं कि ये पीएम के खिलाफ साजिश थी, बेहद शॉकिंग है। सुप्रिया सुनेत ने कहा कि पूरा मैदान खाली था, रैली में लोग आए ही नहीं, इसलिए पीएम को वापस जाना पड़ा। उनके पास हेलीकॉप्टर से जाने का विकल्प था, लेकिन जानबूझकर सड़क के रास्ते गए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता IP सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि रैली में 70,000 कुर्सियां लगवाओ और 700 लोग बिना आए, तब सुरक्षा की दृष्टि से सभा रद्द करना समझ में आता है। फैशन डिजाइनर तनवीर शेख ने भी खाली कुर्सियों को तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रोग्राम में तो सड़क से जाना ही नहीं था, फिरोजपुर में मैदान खाली था, रैली में लोग नहीं आए तो उन्हें वापस जाना पड़ा। दूसरी तरफ फिल्म मेकर विनोद काबड़े ने एक ट्वीट पर खाली कुर्सियों की तस्वीर शेयर की और तंज कसते हुए कहा, तो सुरक्षा में चूक के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में ये चुनावी सभा नहीं हो सकी। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिएगा SPN9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।